सऊदी अरब में एक और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जनाब, और सऊदी अरब की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसने जो है वो अद्वियात से मुतालिक कार्रवाई की है और मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुख्तलिफ कंपनियों को जो है वो बड़े भारी किस्म के जुर्माने किए गए, लाखों रियाल के जुर्माने हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने अद्वियात की निगरानी के लिए जो निज़ाम रसद बना रखा है उसकी खिलाफ वर्जी पर 12.5 लाख रियाल से ज़्यादा के जुर्माने किए हैं और तफ्तीशी दौरे किए गए 135, और जिसमें मुख्तलिफ शहरों और रीजनों में अद्वियात फरोख करने वाले इदारों की छानबीन की गई। ऐसे में कुछ ख़राब वर्जियाँ भी नोट की गई हैं जिनमें रसद में निज़ाम में अदम इंदराज है और इसके अलावा अद्वियात की फ्राहमी है, नेज़ दवाओं की नकलो हरकत से मुतालिक फौरी रिपोर्टिंग ना करने की खिलाफ वर्जियाँ देखी गई जिस पर एक्शन लिया गया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुमलिकत भर में जो तैयार की जाने वाली अद्वियात की नकलो हरकत की निगरानी के लिए रसद नामी निगरान सिस्टम कायम रखा है। जब आप इसमें इंदराज नहीं करवाते, इनरोल नहीं करवाती कंपनियाँ कि नई दवाई कौन सी आई है और उस मार्केट में किस प्राइस में है, तो फिर उसको जब तफ्तीशी दौरे होते हैं तो फिर उनको जनाब जब उनकी लिस्ट में वो अद्वियात शामिल नहीं होती तो फिर वो इदारों को जो है वो जुर्माने करती हैं। ये जुर्माने लाखों में होते हैं। इसके अलावा इस चीज़ को भी देखा जाता है कि जो अद्वियात बेची जा रही हैं मार्केट में और ख़रीदी जा रही हैं वो नकली तो नहीं, दो नंबर तो नहीं, इसीलिए उनका इंदराज का सिस्टम को मुनज़्ज़म बनाया गया है। तो इन खिलाफ वर्जियों पर जनाब काफ़ी भारी जुर्माने हुए हैं, 135 तफ्तीशी दौरे हुए हैं और ये दौरे मज़ीद चल रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।